नमस्कार दोस्तों, आज उत्तराखंड की सेवन्थ क्लास है और उत्तराखंड की सातवीं क्लास में हम कौरव वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुनिंद राजवंश के बाद अगला राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला कौरव राजवंश है। कौरव राजवंश के बारे में पहले हम देखते हैं कि इस समय उत्तराखंड में कौन कौन से राजनीतिक क्षेत्र थे। तो कौरव वंश के समकालीन उत्तराखंड में गोविसान काशीपुर का क्षेत्र, पर्वताकार यानी कौरव वंश पर्वताकार क्षेत्र में रहा होगा। शत्रुघ्न नगर को हमने पहले भी देखा था, यह वह क्षेत्र जो रुड़की और सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसे शत्रुघ्न नगर कहा होगा। पर्वताकार राजवंशी कौरव वंश, जहाँ पर्वताकार क्षेत्र था वहाँ कौरव वंश शासन करता था। कौरव वंश की जानकारी के बारे में स्रोत, आखिरकार कौरव वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो पहले हम देखते हैं उत्तराखंड में यानी अल्मोड़ा में तालेश्वर का ताम्रपत्र। अल्मोड़ा में तालेश्वर के ताम्रपत्र से इस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र द्वितीय वर्मन, इस वंश के शासक द्वितीय वर्मन द्वारा लिखवाया गया था। उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन ताम्रपत्र अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र है। उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन ताम्रपत्र अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र है, जिसकी भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ताम्रपत्र में वर्षभ मछली के चित्र मिले हैं। इसके बाद हम दूसरी जानकारी इस राजवंश की वेंगसाम के यात्रा विवरण से मिलती है, यानी हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर चीनी यात्री वेंगसाम आया और वेंगसाम हरिद्वार की यात्रा पर भी आया। और वेंगसाम अपनी यात्रा वृत्तांत में कहता है कि हरिद्वार से उत्तरी क्षेत्रों में लगभग 667 वर्ग मील क्षेत्र में फैला एक ब्रह्मपुर राज्य था जिसे उसने मोयुलो कहा है। इसके बाद हम देखते हैं जिस ब्रह्मपुर राज्य की तुलना वेंगसाम ने की है, किसी राज्य को पर्वताकार राज्य कहा गया है। अब हम इस राजवंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस राजवंश में किस कौन कौन से शासक रहे होंगे। तो तालेश्वर ताम्रपत्र के वंशानुक्रम के अनुसार इस वंश का संस्थापक विष्णु वर्मन प्रथम था, जबकि इसके बाद वर्षभ वर्मन अगला शासक बनता है। वर्षभ वर्मन का उल्लेख तालेश्वर ताम्रपत्र में मिला है। वर्षभ वर्मन के बाद अगला शासक श्री अग्निवर्मन, इसके बाद अगला शासक श्री अग्निवर्मन और अग्निवर्मन के बाद अगला शासक द्वितीय वर्मन, इसके बाद अगला शासक द्वितीय वर्मन बनता है और द्वितीय वर्मन के बाद अंतिम शासक विष्णु वर्मन द्वितीय था। तो हमने देखा कि तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश का संस्थापक विष्णु वर्मन के बाद वर्षभ वर्मन का उल्लेख तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है।
इसके बाद अग्निवर्मन, अग्निवर्मन के बाद द्वितीवर्मन, द्वितीवर्मन के बाद इस वंश का अंतिम राजा विष्णुवर्मन द्वितीय था। अब हम इस राजवंश के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पौरव वंश के प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि पौरव वंश का प्रशासन किस प्रकार का रहा होगा। तो अभी हमने देखा कालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार राजा का पद सर्वोच्च, यानी कि इस समय सर्वोच्च पद राजा का होता था, तथा राजा का पद वंशानुगत रहा होगा। पौरव वंश में राजा का पद सर्वोच्च, राजा का पद वंशानुगत रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कालेश्वर ताम्रपत्र के बाद कालेश्वर ताम्रपत्र में विष्णुवर्मन के बाद उसका पुत्र वैष्णववर्मन, वैष्णववर्मन का पुत्र अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन, इस प्रकार हमने देखा। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि पौरव वंश में सर्वोच्च पद पर राजा और राजा का पद वंशानुगत होता था। यह शासक अपने आप को गोहिमेशी, ये शासक अपने आप को गोहितेशी कहते थे। पौरव वंश के राजा अपने आप को गोहितेशी कहते थे। ये राजा जिस स्थान पर निवास करते थे उसे कोट कहा जाता था। और जिस कोट की रक्षा करने वाले अधिकारी को कोटाधिकरण कहा जाता था। कोर्ट की रक्षा करने वाले अधिकारी को कोटाधिकरण कहा जाता था। अगला अधिकारी प्रतिहार, अगला अधिकारी इस राजवंश में प्रतिहार था, जो राज परिवार की रक्षा करता था, जो राज परिवार की रक्षा करता था। अगला अधिकारी प्रतिहार, जो राज परिवार की रक्षा करता था, जबकि अगला अधिकारी सुपारिक, सुपारिक सुपकारिक 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 अगला अधिकारी सुपकारिक होता था, जो राज परिवार के लिए भोजन व्यवस्था करता था, जबकि अगला अधिकारी दंडपासिक होता था। ये दंडपासिक पुलिस अधिकारी होता होगा। तो पौरव वंश के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी, आजकल उत्तराखंड का जो पैटर्न है उसके देखते हुए सभी अधिकारियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने देखा पौरव वंश का प्रशासन में सर्वोच्च पद पर राजा, राजा का पद वंशानुगत, ये अपने आप को गोहितेशी या गो की रक्षा करने वाले, गो माता की रक्षा करने वाले कहते होंगे। जिस स्थान पर राजा निवास करता था उस स्थान को कोट कहा जाता था, जबकि कोट की रक्षा करने वाले अधिकारी को कोटाधिकरण कहा जाता था। अगला अधिकारी प्रतिहार, जो राज परिवार की रक्षा करता था, जबकि उससे अगला अधिकारी सुपकारी होता था, जो राजा परिवार के लिए, राज परिवार के लिए भोजन व्यवस्था करता था। इससे अगला अधिकारी दंडपार्षिक पुलिस व्यवस्था, या पुलिस हम बोल सकते हैं कि ये उस राजवंश की पुलिस व्यवस्था थी। अब बात करते हैं भूमि, भूमि आय का मुख्य साधन भूमिकर था। पौरव वंश में आय का मुख्य साधन भूमिकर था। भूमि दो प्रकार की होती थी, केदार भूमि जो सिंचित भूमि होती थी, केदार भूमि सिंचित भूमि होती थी, जबकि सारी भूमि असिंचित भूमि होती थी। आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व कर था, जिसे भाग कहा जाता था, और टैक्स लेने वाले अधिकारी को भागपति या भागिक कहा जाता था। आयकर कुल आय का एक बटा छः कर
पौरव वंश हो, कार्तिकेयपुर राजवंश हो, चंद राजवंश हो, गौर का शासन हो, पवार राजवंश हो, सभी राजवंशों में आय का मुख्य स्रोत 1/6 या आय का भाग 1/6 ही रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी जैसे हम देखते हैं, पहले अधिकारी की बात करते हैं हम, पीलूपति। पीलूपति पीलूपति पैदल सेना का अधिकारी होता था। अगला अधिकारी राजमात्य, राज या राजमात्य, राजमात्य या राजा के पुत्र का या कुमार मात्य, राजमात्य जो राजा के पुत्र का सर्वोच्च मुख्य अधिकारी होता था उसे राजमात्य कहा जाता था। जबकि अशुपति, अशुपति अशुपति घोड़ों की सेना का मुख्य अधिकारी होता था। गजपति, गजपति गजपति हाथी की सेना का मुख्य अधिकारी होता था। बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष बलाध्यक्ष सेना का मुख्य अधिकारी होता था। संधि विग्रह, संधि विग्रह संधि विग्रह शासन में राजा के लिए दूसरे राज्य से संधि व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट प्रभाकर, प्रभाकर प्रभाकर अधिकारी, प्रभाकर अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी होता था। प्रभाकर अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी होता था। जैनपति, जैनपति 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 पैदल सेना का अधिकारी होता था। आगे हम देखते हैं विश्वपति, विश्वपति 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 विश्वों का मुख्य अधिकारी होता था। इसके बाद हम देखते हैं दिविरपति, दिविरपति यह राजा के लिए लेखन व्यवस्था को करता था। इसके बाद हम देखते हैं देव द्रोणीय अधिकृत, देव द्रोणीय अधिकृत, देव द्रोणीय अधिकृत राजा के लिए पूजा व्यवस्था या हवन सामग्री या बलि इन सभी व्यवस्थाओं का अधिकारी होता था। अगला अधिकारी हम देखते हैं दूतक, दूतक यह राजा का दूत होता है। अगला अधिकारी कटुक, कटुक यह फौजदारी न्यायालय का मुख्य अधिकारी होता था। कटुक फौजदारी न्यायालय का मुख्य अधिकारी होता था। इसके बाद हम देखते हैं कुलचारिक, कुलचारिक कुलचारिक यह एक प्रकार का टैक्स होता था। तो आज हमने देखा कि पौरव वंश की सभी राजवंश प्रशासन और इसके बारे में सभी जानकारी हमने प्राप्त की। हमने देखा कि इस पद पर यानी पौरव वंश का प्रशासन का सबसे मेन बिंदु राजा और राजा का पद वंशानुगत, राजा अपने आप को हितेशी बोलते थे, राजा का निवास स्थान को कोर्ट और कोर्ट की रक्षा करने वाले को कोटाधिकृत कहा जाता था, प्रतिहार राजा परिवार की रक्षा करने वाला अधिकारी प्रतिहार, जबकि शुभकारी शुभकारी राजा का भोजन व्यवस्था करने वाला शुभकारी अधिकारी होता था। इसके बाद पीलपति, राजमात्य, अशुपति, गजपति, दंडपार्षिक और जैनपति, प्रभाकर, संधि विग्रह, बलाध्यक्ष, विश्वपति, दिव्यपति, देवद्रोण अधिकृत, दूतक, कटुक और कुलचारिक। इस प्रकार हमने इनका भू राजस्व व्यवस्था प्रशासन महत्वपूर्ण अधिकारी सबके बारे में जानकारी इकट्ठा की है कि कौन सा अधिकारी किस प्रकार का कार्य करता था। कल हम कत्यूरी राजवंश के बारे में क्लास लेंगे। थैंक।